गुड मॉर्निंग जी। और यहाँ पर तैयारी चल रही है हमारी छोटे सी नन्ही सी परी के आने की। ये देखिए जो हमारी गुड़िया अभी हुई है, मैं बता चुकी हूँ आपको कि प्रिंसेस आई है मेरी फ्रेंड के यहाँ पे, छोटी सी परी आई है, तो आज वो घर आने वाली है, तो उसी के लिए हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा डेकोरेट किया है ताकि उसका हम अच्छे से वेलकम कर सकें जितना हमसे हो सकेगा। तो यहाँ पर बलून वगैरह लगाए हैं उनके गेट पे और वेलकम ये लिखा है, अभी तैयारी कर ही रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके से करने में। हम लोग शाम से ये लगा रहे थे लेकिन वो आई थी रात के टाइम में। तो अपना प्यार उसे दीजिएगा और ब्लेसिंग्स दीजिएगा। अभी तो फ़िलहाल वो सिर्फ एक ही दिन की है। नोनी भी यहाँ पर लगी हुई थी साथ में और नोनी के कान पे टेप चिपक गई, ये देखो। तो जितना प्यार हो सकता है, ब्लेसिंग्स हो सकती है, ज़रूर दीजिएगा। आगे देखिए हमने किस तरीके से वेलकम किया है। अभी तो मैं यहाँ पर तैयारी करने लगी हूँ उसकी वेलकम की, मतलब एक मैंने थाल लिया है, थाल में थोड़े से फूल मैं रख रही हूँ। कितना अच्छा लगता है ना कि जब कोई नन्ना सा बच्चा घर में आता है। एक्चुअली गौरी के लिए तो मैं नहीं कर पाई थी, तो था कि हम लोग इस गुड़िया के लिए करें। और अगर ये हर घर में होने लग जाए तो कितना अच्छा लगेगा ना कि बेटी के लिए, बेटियों के लिए हर घर में इस तरीके से वेलकम होने लग जाए तो अच्छा लगेगा। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा ही है। तो ये मेरे पास रोली थी हरिद्वार की और मैंने इसके अंदर ये रोली रख ली है। थाल में थोड़े से फूल रखे हैं, मतलब इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना कि हम लोग कि कब घर आएगी, कब घर आएगी। होता ही यही है कि लगा रहता है कब घर आएगा बच्चा अपना। तो थाल यहाँ पर पूरा वो कर दिया है मैंने और यहाँ पे मैंने एक ट्रे ली है। ट्रे के साथ में मैं ले रही हूँ एक वाइट कपड़ा। क्यों ले रही हूँ ये लोग आप लोग समझ भी गए होंगे और आगे वैसे आपको पता भी चल जाएगा। तो ये देख लीजिए, वाइट कपड़े को मैंने ट्रे के ऊपर रख दिया है और इसको पीछे से मैं इसको मतलब ऐसे टक करने के लिए कुछ करूँगी। पहले मैं सेट कर रही थी किस तरीके से करूँ किस तरीके से नहीं। अभी तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि गुड़िया सिर्फ एक ही दिन की है और उसके लिए ये सब करना मतलब कैसे करेंगे, कैसे कर पाएंगे, वही सोच रहे थे, वही मेरे मन में चल रहा था यहाँ पे कि वो कंफर्टेबल होनी चाहिए हर तरीके से। तो ये जो है कपड़े को मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है और इसमें मैं ना पिन लगाऊंगी। मतलब पिन से क्या है ना, ये कपड़ा इधर उधर खिसकेगा नहीं। ये देखो ये जो पिन है ना, इसको मैं लगा दूंगी इसमें, लेकिन ये पिन इसमें लग नहीं पा रही थी तो इस पिन को हटाया मैंने, फिर दोबारा कपड़े को सेट किया है। अभी दूसरा पिन लेने गई थी, एक्चुअली पिन भी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि इस टाइम पे मुझे फ़ोन आ चुका था कि वो लोग हॉस्पिटल से निकल चुके हैं तो रास्ते में ही थे, इसलिए जल्दी हो रही थी मुझे भी थोड़ी सी। तो यहाँ पर मैंने छोटा पिन लिया है और इसको इसमें लगा दिया है। ये देखिए कपड़ा उस पर लग चुका है, फ्रंट से जो है इस तरीके से हो गया ये तैयार। और चलिए अब आगे देखते हैं किस तरीके से क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। और दोबारा बोलूँगी कि अपना प्यार अच्छे से दीजिएगा, जिस तरीके से आप गौरी को ब्लेसिंग्स देते हैं, सभी बच्चों को ब्लेसिंग्स देते हैं, उसी तरीके से इसको भी दीजिएगा। तो ये दोनों मेरी तैयार हो चुके हैं, मेरी थाल और ये पूजा की थाल वहीं पर रखी है। तो फाइनली आ चुके हैं ये लोग, तन्नू सुबह से वहीं पे थी तो ये जो गाड़ी से उतर रही है पहले तन्नू ही हैं और आंटी जी हैं, उनकी बहन है। तो अभी यहाँ पर देखते हैं आगे क्या होता है। पहले पूछ भी रहे थे कि ये आपकी गढ़वाली फ्रेंड है, हाँ जी ये गढ़वाली है। तो बस गुड़िया को अंदर ला चुके हैं। अब ये जो है इसे गौरी बोल रही है, छोटी वाली बच्ची के पैरों के हम लोग छापे लेंगे इस पर, लेकिन बहुत डर लग रहा था करते हुए क्योंकि बहुत छोटी है। तो आप लोग पैर देख सकते हो उसके कितने प्यारे हैं,
सिर्फ एक ही दिन की है ना, इस वजह से चेहरा अभी रिवील नहीं किया है, क्योंकि अभी वैसे भी वो हम लोग बहुत जल्दी में थे, चेहरा भी दिखाऊंगी। अब तो ये वीडियो में आती ही रहेगी, मतलब अभी थोड़े टाइम बाद ये आती रहेगी, क्योंकि गौरी के साथ तो इसको आना ही आना है, गौरी की जोड़ी बनेगी ना अब इसके साथ में। तो ये देखिए यहाँ पर ले चुके हैं हम, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं ले पाए थे क्योंकि ठंड थी और समझ ही नहीं आ रहा था कैसे क्या करें। चलिए मिलते हैं आगे। जिसको चाहे यारा बता ना पाए बातें दिलों की, आगे बोले ना मुझे याद नहीं है। देखो कोई खाने के लिए झांक रहा है, देखो 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 उधर से कोई झांक रहा है। ओय 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 ओय, इसको छोड़ दे, तू अपने खिलौने लेना। नहीं नहीं रोटी दो मुझे, रोटी दो मुझे, रोटी दो नहीं। हाँ, इससे अच्छा गाना ना मैंने आज तक नहीं सुना है, पता है। चलो आप पहले खाना खा लो आराम से। क्या कर रहे हो आप? ये साइकिल की टेल लाइट लगा रहा हूँ। जुगाड़ जुगाड़ क्या? ये आई थी, इसमें कुछ एलईडी बल्ब खुद का लगाया, इसमें ये वाला बल्ब लगा हुआ था, देखो ये देखो इनका वो खजाना। जिसको लूटना हो ये लूट सकते हो, खजाना ये खजाना है वही। दिखाऊं मैं इसमें? मैं पहले भी एक बार दिखाया ना हमने। इसमें बहुत कुछ है, इसमें आपको मिलेगा पता नहीं क्या क्या। क्योंकि मैं जो है अभी इसमें दिखा बता भी नहीं सकती हूँ, मुझे भी नहीं पता है कि इसमें है क्या। बस हाँ ये क्या होता है इसमें? ये देखोगे, क्योंकि अगर मैंने वैसे हाथ लगाया तो इसमें पता नहीं क्या क्या मिलेगा। जय श्री राम बेटा। ये देखो ये है क्या, टेप। ये आधा तो इसमें कबाड़ा भी होगा, है ना नन्हे? हाँ कबाड़ा भी होता, सही बात है। क्योंकि ये देखो ये पता नहीं क्या है, ये क्या है? ये हथौड़ी, वो ये है एक कार थी, कार का बैग का ढक्कन है जो बेकार। अरे हाँ मैं बताती हूँ इनकी क्या आदत है, कुछ सामान घर में आएगा ठोके थोड़े दिन तो चल जाएगा, वो थोड़े दिन बाद ना इनके दिमाग में खुजली होने लग जाती है। पूरा पाती दिमाग है कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उसको खोल देना है, खोल के बना भी देना है और फिर उसको बिल्कुल बेकार करके रख देना है। यही होता है ना, ऐसे नहीं बोलोगे तुम? कितनी चीजें हुई है यार, तुम्हारी चीजें कितनी ठीक भी करी है। हां कितनी चीजें ठीक भी करके देता हूं तुम्हारी। मैं तो बोल करने। हां अब बताओ, कुछ ना जरा, तुम कुछ काम ऐसे भी करते हो ना कि नई चीज आती है वो रखी रहती है थोड़े दिन तक, थोड़े दिन तक आपको वो दिखती रहती है कि वो सही सलामत है अच्छे से है, फिर एक दिन तुम दिमाग में खुजली हो जाती है तुम्हारे, फिर क्या कर देते हो उसका? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर वो रखा जाता है। हाँ। और कुछ चीजें ठीक भी करते हैं, ऐसी चीजें नहीं ठीक करता, सारी चीजें ठीक करता हूँ, जो खराब करता हूँ खराब चीजों को खराब करता हूँ, जो काम की नहीं होती उन चीजों को खराब करता हूँ मैं। और एक ना अपना पावर बैंक भी दिखाना। गौरी क्या हुआ बेटा? पावर बैंक ऊपर रखा, कहाँ रखा है? हाँ, सौ फोनों का वो क्या 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 बोले दस फोन को चार्ज करने के ऊपर रखा है, ऊपर आ रहे हैं, आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं ऊपर ऊपर ऊपर। तो ये अभी ठीक करने में लगे होगा, ये लगाई है इन्होंने लाइट। और एक मैं दिखाती हूँ, इसमें मिरर कहाँ गया? मिरर कहाँ गया? मिरर उतार कर रखा है, वो गलती से ना दो मंगाने थे, मैंने एक ही मंगा दिया। इन्होंने मिरर मंगाया था वो निकाल के रख दिया। और ये क्या है? हेडलाइट। हेडलाइट बनाई है ये? ये बनाई है। हाँ ये देखो भी बनाई है, और कैसे बनाई है ये भी बता देंगे। कब बनाई आपने ये? हाँ? कब बनाई? जला के दिखाऊं? दिखाओ। पहले पावर बैंक मंगाना पड़ेगा ऊपर से। ना नहीं फिर आने दो, बाद में पावर बैंक ला दे बेटा, ऊपर रखा था कहीं। हेलो, अंधेरे में दिखने नहीं दूंगी मैं तो। क्यों तू बफेलो है? बिल्कुल अच्छे से दिख रही है। सुनो ना, पावर बैंक कहाँ रखा है? दोनों कहाँ रखा है याद करो ना। ये पावर बैंक नीचे ही रहता है, ऊपर दुकान पे ले गए थे आप? नहीं यार, हॉस्पिटल से आया था तो। हाँ जब वो बात कर रही है अपने, ऊपर तो कभी जा ही नहीं सकता वो। क्या हुआ? नोनी आई थी ना आपके पास में आपकी हेल्प करने के लिए। नोनी, नोनी हेल्प करने आया? नोनी, नोनी, बेटा हेल्प करोगे आप?
चुनिया नोनी वहां है, वहां पे वहां पे भेजना इसे वहां पे चुनिया। आपको देख के वो अपने घर में घुस गई, डर गई। नोनी बेटा पापा जी बोल रहे हैं चुईया है वहां पे। अब बोलो, अब उसको पहले बताओ। आ जा नोनी, चुईया कहाँ है? ये इधर इधर आओ, बैठो इधर, बस बैठ जाओ, बस मेरे बच्चा यहाँ पे आ जाओ, इधर रखो, इधर रखो, जल्दी आओ। आ मेरे बच्चा ठीक है, मेरे बेटा मेरा कहना मानता है, बस जाओ बस बैठ जाओ। हम तो बेवकूफ हैं, आपकी सारी बेटी आपका कहना मानते हैं। हाँ बेटा, अच्छा तुम्हें भी दिखाता हूँ, रुको। हाँ आप बात करो, ठीक है। आज अभी टाइम बजने वाला है, बारह बजने वाले हैं, 12 बजने में 10 मिनट और हम लोग बैठे हुए हैं। इनके पापा जी अभी अपनी साइकिल में ही लगे हुए हैं कुछ करने के लिए, और ये बात कर रही है आप लोगों से। हाँ लो बोलो, ठीक है, हो गई, हो गई उसकी बात। क्या है ना, आज वो गुड़िया आ चुकी है, और वो वाली लाइट जला दोगे आप? जला, धुंधला धुंधला बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वो वाली लाइट आ चुकी है। हाँ वो वाली छोटी वाली लाइट आ चुकी है, गौरी की फ्रेंड आ चुकी है वो। और ना आज जब वो आई ना, उसको देख करके ना अपनी याद आ गई कि हमारी जब गौरी आई थी ना, तो वो भी निन्नी सी आई थी, छोटी। बेबी आ चुका है, नहीं बता चुकी ना आज तो। वो भी सस्पेंस में बैठे हैं कि बताना बाद में। मेरी बेटी है भाई, बेटी बहुत प्यारी है, और उनको चाहिए भी बेटी थी, और जैसे हमें बेटी चाहिए थी, और बेटियां होती भी बहुत प्यारी है ना। जैसे कि ये देखो टोपा रखो अपना, आप प्यारे हो, किसने कहा आप प्यारे हो? ओ ये क्या लगाया मुंह पे? तो ये भी बहुत प्यारी है, वो तो बहुत ही प्यारी सी, क्यूट सी होते ना छोटे बच्चे। आज एक ही दिन की तो हुई है ना वो, एक दिन की, सिर्फ एक दिन की। कहते ना एक साल की, दो साल की, तीन साल की। और हम पैरों का जो वो ले रहे थे ना, हम छापे या प्रिंट जो भी बोल सकते हैं, तो वो बहुत छोटी है ना यार, एक ही दिन की बच्ची है, तो वो मतलब लिए गए हैं लेकिन बहुत अच्छे से नहीं ले पाए थे। हाँ जब अभी वो वन मंथ की हो जाएगी ना, तब गर्मियों का मौसम भी आ जाएगा, तब हम लेंगे उसका फिर से, और वही हम फ्रेम भी कराएंगे और इसको भी रखेंगे। लिए थे लेकिन ना वो छोटी है ना अभी, अभी आए नहीं ढंग से, आए भी नहीं, और ये लग रहा था ना कि ठंड ना लगे। चलो कोई बात नहीं, दोबारा लेंगे। और मैं क्या बोल रही थी, भुला दिया आपने मेरे को बीच में। हाँ चेहरा नहीं दिखा पाई थी यार, वो जल्दी जल्दी में था ना कि उतरी और फिर अंदर जाना था, क्योंकि ठंड है, ठंड का मौसम है, और बच्चों को तो ठंड है। क्या चाहिए बेटा आपको? एक मिनट रुको, मैं देती हूँ, लो ये लो। हाँ ये वाला भूल है, देखो टोपा वोपा सब हटा के रखती हैं। तो चलिए भाई, इस व्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड, और मिलूँगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि इसका गाना बजना शुरू हो गया है। अब हमारे यहाँ पे वो आएंगे, रात को जगराता होता है ना, तो वो गाने वाले जो होते हैं म्यूजिक सिंगर, तो एक आ चुकी हैं, एक सो चुकी हैं ऊपर, वो तनु हॉस्पिटल में थी ना सुबह से, तो थक चुकी थी। बस यही, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। और आज मैं मतलब काम वाला व्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि सुबह से बिजी थी, आज सच में बिजी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोनी के लिए भी थोड़ा करना था, फिर घर का भी, और तन्नू भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस व्लॉग को मैं इतना ही बना करके मैं एंड करूँगी व्लॉग या वीडियो, जो भी आप समझें। तो बस इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए, फ़ोन बहुत ज़्यादा हिल रहा है। बोलिए बोलिए, कुछ बोलना चाहती हैं? बोलेंगी गौरी? गारा पापा जी की सीटी बज गई तो देखो, पता है वो सीटी बजाएंगे ना, और उसको देखो, उसको देखो। चलिए टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।